सो सी गाइस, फिजिकल कैपिटल जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, दैट इज लैंड, लेबर, ठीक है ना, एंटरप्रेन्योर। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू प्लूटस आईएएस। सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग एक सीरीज बना रहे हैं जिसमें कि हम लोग प्रीलिम्स में जो भी क्वेश्चंस इस बार आए हैं इकोनॉमिक्स सेक्शन में, उनमें जो भी टॉपिक्स को यूपीएससी ने टच भी किया है, उन टॉपिक्स का डिटेल्ड डिस्कशन कर रहे हैं। सो इसी सीरीज में आज का वीडियो है। आज हम लोग कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का पहला टॉपिक जिसपे हम लोग बात करने जा रहे हैं, दैट इज वर्किंग कैपिटल। इस पे क्वेश्चन आ चुका आया है इस बार प्रीलिम्स में 2024 में। सो व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? सी गाइस, अगर हम लोग इसे स्पेसिफिकली अकाउंट के टर्म्स में डिफाइन करें, जो कि पहले मैं करूंगा और फिर आपको बता दूंगा कि एक्चुअली मतलब क्या होता है। तो अकाउंट के टर्म्स में वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी के पास जो एसेट्स हैं, करंट एसेट्स, ठीक है, माइनस करंट लायबिलिटीज। गेटिंग माय पॉइंट? It is actually the difference of current assets of a company, company मैं नहीं लिख रहा हूं, minus current liabilities, ठीक है। जो assets हैं और जो liabilities हैं, इनका जो difference होता है वो कहलाता है working capital। अब working capital का use क्या होता है? तो company के जो day-to-day operations हैं, जो company को petty cash चाहिए होता है इन ऑपरेशंस को मीट आउट करने के लिए, इन एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए, वो सब हमारा वर्किंग कैपिटल से निकल करके आता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में आप ऐसा कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस जो भी होते हैं कंपनी के, वो सारे के सारे आपके वर्किंग कैपिटल से मीट आउट किए जाते हैं, राइट? दैट्स व्हाट वर्किंग कैपिटल इज। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसी में एक और तरह का कैपिटल होता है, अनदर टाइप ऑफ कैपिटल, विच इज रिफर्ड एज फिक्स्ड कैपिटल। तो देखिए, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है कंपनी के जो फिक्स्ड एसेट्स हैं। कंपनी ने कोई बिल्डिंग खरीदी, कंपनी ने कोई वैन खरीदी, फॉर एग्जांपल कंपनी ने कंप्यूटर खरीदा, कंपनी ने फॉर एग्जांपल, अब मैं अपने यहां का बात करूं, कंपनी ने जो है कैमरा खरीदा, ये सारी चीजें क्या हैं? ये कंपनी के एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ये कंपनी के लिए आवश्यक हैं। इट इज नेसेसरी फॉर कंपनी टू रन अ कंपनी, दीज आर नेसेसरी एंड दीज आर फिक्स्ड एसेट्स ऑफ अ कंपनी। बिल्डिंग में ऑपरेशंस होंगे, काम होएगा, राइट और रॉन्ग? तो ये सब कहलाते हैं कंपनी के फिक्स्ड कैपिटल। सो इट बेसिकली रिफर्स टू द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द कंपनी, जिसमें कंपनी इन्वेस्ट करती है to run the smooth operations of that company, ठीक है? You can say fixed assets essential to run a company। बोलिए, बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब तीसरे टाइप की अगर हम कैपिटल की बात करें, दैट इज फिजिकल कैपिटल। सो सी गाइस, फिजिकल कैपिटल जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, दैट इज लैंड, लेबर, ठीक है ना, एंटरप्रेन्योर कैपिटल। तो आप लैंड को हटा दीजिए और लेबर को हटा दीजिए, ह्यूमन लेबर और लैंड को अगर हम रिमूव कर दें, तो जो हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बचता है वो फिक्स्ड कैपिटल कहलाता है। सो इफ यू रिमूव ह्यूमन कैपिटल एंड लैंड, देन द कैपिटल दैट इज अवेलेबल, इट इज नोन एज फिजिकल कैपिटल एंड इट इज एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन। सो एक्चुअली इट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक्सक्लूडिंग ह्यूमन लेबर एंड लैंड।
essential for production activities or essential for production. बोलिए इतनी बात क्लियर हुई, समझ में आ गया. So I hope guys all these three types of capital are clear to you. और ये पूरा concept समझ में आ गया होगा क्योंकि इन्हीं तीन टाइप के कैपिटल्स पे बेस्ड क्वेश्चन आया है इस साल यूपीएससी प्रीलिम्स में. ओके, सो आई होप द वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.